जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जी जनरेटर ऑटो ऑफ सिस्टम लगाया है जी, ठीक है। पहले लगा हुआ था लेकिन वो किसी ने पेंट वगैरह हुआ है ना, तो तारे वगैरह उतारी हैं तो दोबारा सेट किया है ये। बस अभी तारे शारे, पहले जनरेटर इधर पड़ा होता था, ये आप हालत देख रहे हैं, तो अभी जनरेटर बाहर लेके गए हैं ना, तो तारे शारे उतर गई थी, दोबारा सेट किया है। तो आपको दिखाते हैं, एक ये रिले लगाई है टाइमर ताकि लाइट आए, तो उससे 10 सेकंड पे मैंने इसको सेट किया है। ये आप देख रहे होंगे, ये है भी 10 सेकंड वाली पोजीशन पे है, ठीक है जी। 10 सेकंड के बाद ये जनरेटर को ऑफ करेगी, 10 सेकंड इंतज़ार होगा, फिर जाके जो है ऑफ होगी पोजीशन। और उसके बाद ये सिस्टम है जी सारा, ठीक है जी। ये 220 वोल्ट रिले लगाई है, ठीक है, उसकी बेस के साथ ये बॉक्स बना है बाहर रखने के लिए। बाकी ये सिस्टम किया है जी, ठीक है। अभी मैं आपको टेस्ट भी कराने लगा हूँ, बस अभी वो थोड़ी देर तक इंशाल्लाह तारें भी मैंने सीधी करनी है, अभी उनको टाई करनी है सारी को, और ओके करके इंशाल्लाह। अभी ये इसकी दो तारें हैं, स्विच की तारें हैं बेसिकली, यानी ऑटो स्टार्ट स्विच की, लेकिन ये इन्होंने कहा है जी अभी ये ना लगाएं, बेशक इनकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, तो ये जब ज़रूरत होगी तो हम आपसे लगवा लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है जी, मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अभी इसमें जनरेटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये चोक से स्टार्ट हो रहा है। पहले ये ठीक था, क्योंकि नीचे से पुश बटन से स्टार्ट करने के लिए जनरेटर का 100% ओके होना बड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चौक जब लेता है ज़ाहिर है चौक दे फिर दे के फिर नीचे जाएंगे, ऐसे मुमकिन नहीं है। तो अभी कह रहे हैं कि चौक ले रहा है, तो फ़िलहाल हम इसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो जब ये ओके हो जाएगी, इसके चौक वाला मसला हल हो जाएगा, तो फिर इसको जो है हम इंशाल्लाह स्टार्ट करके आपको चेक करवाएंगे। वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो अगर आया इनको ओके करने, तो वीडियो बना के मैं पोस्ट ज़रूर करूँगा जी। तो अभी साथ रहें इंशाल्लाह, मैं टाई करके तारों को फिर मैं वापस आता हूँ, आपको चेक कराता हूँ जी। दोस्तों ये जी तारे अरेंज हो गई हैं जी, टाई कर दिए सारी। अभी मैं रिले उतारने लगा हूँ, ठीक हो गया जी। ये मैंने रिले उतार दिए, ठीक है जी। और अभी मैं जनरेटर स्टार्ट करूँगा, फिर मैं रिले लगाऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर अगर ये रिले लगी होगी, बिजली होने की सूरत में रिले लगी होगी, तो जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि रिले ने उसके साथ शार्ट की हुई है बॉडी के स्विच की, तो वो रिले स्टार्ट नहीं होने देगी। अभी मैं ये उतार के स्विच स्टार्ट करता हूँ, फिर ये लगाऊंगा, और फिर आपको दिखाते हैं कि जी प्रॉपर जनरेटर बंद होता है 10 सेकंड के बाद। मैंने बार इसको लगाया वह 10 सेकंड पे है, लेकिन मैं वक्ती इसको जो है ना सिर्फ वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो, उसके लिए मैं 4 सेकंड या 6 सेकंड कर लूँगा उस टाइम, या 10 सेकंड भी खैर कोई इतना बड़ा टाइम तो नहीं है। साथ रहें इंशाल्लाह, जो है आपको मैं ऑन करके बताता हूँ। अभी मैं जनरेटर स्टार्ट कर लूँ। ये जी रिले मैंने उतारी हुई है, और अब इसको मैं करने लगा हूँ जी स्टार्ट। बिस्मिल्लाह यार, ये जी वापस हो गई, स्टार्ट हो गया, ठीक है जी, ठीक है जी। जनरेटर स्टार्ट है, आपको आवाज़ आ रही होगी, और ये मैं अब इसकी रिले लगाने लगाऊँ जी, टाइमर लगाने लगाऊँ ताकि ये ऑफ हो, ठीक है जी। फ़िलहाल ये पूरे 10 सेकंड पे है, तो ये मैंने लगा दिया, अभी हम 10 सेकंड इंतज़ार करेंगे ताकि ये जनरेटर को ऑफ करें। ये ले जी जनरेटर ऑफ हो गया, ठीक है जी। ये हमारी सेटिंग थी जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह जी, नेक्स्ट वीडियो के लिए।